मेरा नाम है वरदान और आज मैं फिर से आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो एप्पल ने अभी आईफोन SE 2 लॉन्च किया है, क्या वो फ़ोन खरीदने लायक है, क्या उसके फीचर्स जो उसके प्राइस है उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, क्या वो फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिकेशंस उसकी नोट डाउन की हैं और अब मैं वन बाई वन उसकी स्पेसिफिकेशंस को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्चुअली वो स्पेसिफिकेशंस क्या उसके प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक हैं या फिर फ़ोन लेना बेकार है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस सबसे पहले उसके मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा है, इसमें दिया गया है रेटिना HD डिस्प्ले। तो गाइस ये जो रेटिना HD डिस्प्ले दिया गया है, एक बेसिकली एक IPS डिस्प्ले है, ये कोई OLED डिस्प्ले नहीं है, ये सिंपल डिस्प्ले है जो IPS बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो गाइस ये जो डिस्प्ले होती है, ये जो हमारे ओल्ड फ़ोन होते थे उनमें आती थी और आजकल ये डिस्प्ले कोई यूज़ नहीं करता है क्योंकि आजकल OLED डिस्प्लेज का ज़माना है। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि आपको कि ये वाला जो इसमें डिस्प्ले दी गई है, ये वाली जो डिस्प्ले दी गई है, मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। तो गाइस अगली बात करते हैं कि इसकी डायमेंशंस का है। तो डायमेंशंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4.7 इंच की डायगनल वाइड स्क्रीन LCD दी गई है। तो गाइस ये डिस्प्ले भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अराउंड 5 इंच की डिस्प्ले होगी अगर डायगनली देखा जाए। तो गाइस ये भी मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो गाइस अगर आपको छोटा फ़ोन पसंद है तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा कि डिस्प्ले 4.7 इंच की है। तो हाँ, अगर आपको छोटी डिस्प्ले पसंद है तो बिल्कुल ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ठीक रहेगा। तो गाइस चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं इसमें दिया गया है मल्टी टच डिस्प्ले विद IPS टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया, जो ऊपर दिया गया है उसको ही डिस्कस यहाँ पे फिर से कर दिया है इन्होंने। बस यही है कि आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं तो उसको बार बार लिखते हैं। तो ये सारी डिटेल जो मैंने ली हैं, ये मैंने एप्पल की वेबसाइट से ही ली हैं। तो आप देख सकते हैं इसने फिर से वही रिपीट कर दिया है यहाँ पर, तो ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। और गाइस रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1334x750 पिक्सल रेजोल्यूशन दिया गया है, 326 PPI पिक्सल पर इंच पर। तो गाइस ये भी कोई बड़ी ख़ास बात नहीं है क्योंकि आजकल जितनी ज़्यादा ये PPI डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले की PPI होती है, उतनी ही ज़्यादा आपकी इमेजेस जो होती हैं वो आप कह सकते हैं कि बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि पिक्सल्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं जितनी ज़्यादा PPI आपकी ज़्यादा होगी। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये भी बहुत कम दी गई है इसमें डिस्प्ले में, तो ये भी कोई ख़ास फीचर नहीं है। और आगे कॉन्ट्रास्ट रेशो की बात की जाए तो वो भी काफ़ी कम है। गाइस जो आजकल कॉन्ट्रास्ट रेशो आती है वो 1:1 आती है। गाइस जो आजकल OLED डिस्प्ले आ रही हैं उनमें जो कंट्रास्ट रेशो आती है वो 1:1 आती है। तो गाइस ये भी बहुत, यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्ले दी गई है आईफोन SE में, ये मेरे अकॉर्डिंग ये जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर आगे बात करते हैं ट्रू टोन डिस्प्ले, वाइड कलर डिस्प्ले, यहाँ पे फिर से वही चीज़ रिपीट की गई है, कोई ख़ास बात नहीं है। फिर नीचे दिया गया है हैप्टिक टच। तो गाइस हैप्टिक टच बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे ही आप किसी फ़ोन में, मतलब किसी भी आइकन को टच करके रखते हैं तो उसमें एक फीडबैक मिलता है जो कि एक वाइब्रेटर की तरह ही होता है, तो ये हैप्टिक टच वही दिया गया है। तो गाइस आगे इसमें दिया गया है 625 निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस। सो गाइस ये भी काफ़ी कम है, यानी कि अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 625 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, ये भी कोई ख़ास नहीं है, ये भी काफ़ी कम है अगर कंपेयर किया जाए आजकल के न्यू फ्लैगशिप फोन्स के साथ। और आगे दिया गया है इसमें फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट ओलियोफोबिक कोटिंग। चलिए गाइस ये मैं मानता हूँ कि फिंगरप्रिंट दिया गया है वही जैसे आईफोन 8 में दिया गया था, आईफोन 8 से नीचे जितने फ़ोन से सब में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो गाइस बेसिकली ये वही सेंसर है जो फिंगरप्रिंट सेंसर है। और आगे दिया गया है डिस्प्ले जूम कोई ख़ास फीचर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है, तो इसको भी हम मैं ज़्यादा खास
प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि रीचेबिलिटी कुछ नहीं है। इसका मेन पर्पज़ ये है, अगर आप किसी एक वन हैंड से फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो आप डिस्प्ले को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि जो फीचर्स हैं उनको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, क्लिक कर पाएँ। तो गाइस ये भी कोई ज़्यादा खास बड़ा फीचर नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर ये खास फीचर्स नहीं है तो फिर खास फीचर है क्या, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है A13 बायोनिक। तो गाइस ये वाली जो चिप है ये वही चिप है जो आईफोन 11 प्रो में और 11 में दी गई है। जी हाँ, ये वही चिप है और ये चिप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अभी तक एप्पल आईफोन्स आए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल चिप A13 बायोनिक ही है। तो गाइस मैं कहूँगा कि ये वाली चिप सबसे बेस्ट है, और अपने आईफोन में अगर आईफोन SE में ये दी गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हालांकि मैं एक बात और कहूँगा कि अभी इसके कुछ बेंचमार्क्स हुए हैं आईफोन SE 2 के, इसमें देखा गया है कि जो बेंचमार्क दी गई है आईफोन 11 प्रो की, और अगर उसको उस बेंचमार्क को मैं कंपेयर करूँ आईफोन SE 2 से, तो आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो आईफोन SE 2 की थोड़ी कम कर दी गई है। वो शायद पता नहीं क्यों की गई है, हो सकता है कि इसकी बैटरी ज़्यादा MAH की नहीं है, शायद इस वजह से क्या हो, कोई भी रीज़न हो सकता है गाइस कि क्यों कम की है। तो गाइस वैसे अगर देखा जाए चिप के अकॉर्डिंग, तो चिप के अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। सो गाइस चलिए अब आगे बात करते हैं और फीचर्स क्या हैं। तो गाइस जो अभी तक मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगा वो है इसकी प्रोसेसर, ये है बेस्ट फीचर इसका। इसमें IP67 की रेटिंग दी गई है, कोई खास बात नहीं है। ये जितने भी न्यू फोन्स हैं, ओल्ड फोन्स भी, काफ़ी ओल्ड फोन्स भी हैं उनमें भी अभी ये रेटिंग आती है। और बात करते हैं अब आगे कैमरा की, तो कैमरा देख सकते हैं इसमें 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया गया है। तो गाइज़ ये वही कैमरा है, आप ये समझ लीजिए कि आईफोन 11 प्रो से अगर उसमें तीन कैमरे हैं तो उसमें से एक कैमरा निकाल के इसमें भी लगा दिया गया है, जिसकी एपरेचर f/1.8 एपरेचर है जिसकी। तो गाइज और इसमें डिस्प्ले जूम, इसमें डिजिटल जूम अप टू 5x दिया गया है। गाइज जहाँ पर डिजिटल जूम की बात आ जाती है, मैं कहूँगा डिजिटल जूम कोई खास चीज़ नहीं होती, ये भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ही फीचर होता है। अगर यहाँ पर ऑप्टिकल जूम होता तो मैं समझता कि हाँ कुछ खास बात है, लेकिन डिजिटल जूम का मतलब है कि आपकी किसी इमेज को ही वो मतलब कि एक्सपेंड कर देगा, मतलब पिक्सल आपके क्लोज कर देगा, उससे क्या होगा आपकी जो पिक्चर फट जाएगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एपरेचर अच्छी दी गई है, कैमरा भी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आईफोन 11 प्रो से लिया गया है कैमरा। आगे दिया गया पोर्ट्रेट मोड विद एडवांस बोका एंड डेप्थ कंट्रोल। गाइस ये भी ठीक है, जो आईफोन 11 प्रो में फीचर दिया गया ये वही है, बाकी कोई ये कैमरा बेस्ड ही फीचर है, कोई खास इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। पोर्ट्रेट लाइटनिंग विद 6 इफेक्ट्स भी दिया गया है, तो गाइज ये भी कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है, ये भी एक कैमरा बेस्ड ही फीचर है। आगे बात करते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो गाइज ये वाली जो चीज़ है ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये भी मुझे फीचर अच्छा लगा कि इसमें दिया गया है। गाइज इसका मतलब ये है, जैसे भी आप किसी मतलब अगर आपके हाथ में फ़ोन है और आप वीडियो बना रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि पिक्चर जो है वो हिलती है। तो गाइज अगर उसको स्टेबलाइज करना है कि वो पिक्चर हिले ना ज़्यादा और वो स्टेबल रहे, तो गाइज ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर ऑप्टिकल का यूज़ किया गया है, यानी कि ये हार्डवेयर बेस्ड है, तो ये अच्छी चीज़ है। 6 एलिमेंट लेंस का यूज़ किया गया है, अच्छी बात है। आगे लिखा गया है फिर LED ट्रू टोन फ्लैश विद स्लो सिंक्रोनाइजेशन, ये वही फ्लैश है जो आईफोन 11 प्रो में दी गई है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे है पैनोरमा अप टू 63 मेगापिक्सल। तो गाइस पैनोरमा तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिसमें हम कैमरे को अपने कैमरे को 180 डिग्री घुमाते हैं, मतलब किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं हम, और उससे जो एक लंबी सी इमेज आ जाती है, ये वही है पैनोरमा। फिर आता है नीचे सेफायर क्रिस्टल लेंस कवर। गाइस ये सेफायर जो क्रिस्टल है ये बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है, ये एक मतलब आप ये समझ लीजिए अगर सेफायर क्रिस्टल का इसमें लेंस कवर दिया गया है तो इसका मतलब ये है जो आपका कैमरा है वो बिल्कुल सिक्योर है, उस पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे, ये अच्छी चीज़ है। इसमें सेफायर क्रिस्टल दिया गया है, ये एक अच्छी प्रोटेक्शन है। आगे बात करते हैं फिर इसमें लिखा है ऑटो फोकस, ठीक है, ये भी बहुत काफ़ी ओल्ड पुराना फीचर हो गया है, कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है, ऑटो फोकस सब फ़ोनों में आता है।
आगे है ऑटो इमेज स्टेबलाइजेशन गाइज, ये भी अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर, सेम चीज़ है ये वही। गाइज बात करते हैं बस्ट मोड की, तो बस्ट मोड कुछ नहीं है, बस्ट मोड में वही है कि अगर आप किसी कैमरा बटन को कंटिन्यूस प्रेस करके रखते हैं तो एक साथ काफ़ी फ़ोटोज़ ले लेता है, ये वही चीज़ है जो कि हम लोग यूज़ भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। और आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है इसमें इमेज फॉर्मेट्स कैप्चर्ड HEIF एंड JPEG। तो गाइस जो इसमें HEIF दिया गया है हर आईफोन में है अभी फ़िलहाल, इसका मतलब ये है हाई एफिशिएंसी इमेज लेता है ये, कि मतलब आपका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होगा इमेज का, लेकिन क्वालिटी इसकी मेंटेन रहेगी। तो गाइस ये भी अच्छी चीज़ है, ये मैं कहूँगा अच्छी चीज़ है। और गाइस आगे इसमें फिर दिया गया है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कि वीडियो किस टाइप की ले सकता है ये फ़ोन। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 4K रिकॉर्डिंग एट 24 FPS, 30 FPS एंड 60 FPS। गाइज ये बहुत अच्छी चीज़ है, 60 FPS पर अगर आपकी 4K रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये लेटेस्ट फीचर है। और लेटेस्ट क्या, ये आईफोन 11 प्रो में भी है वैसे तो, लेकिन ये फीचर जो टॉप नॉच फ़ोन्स होते हैं उन सब में ये फ़ीचर आता है, और जो हमारे लो एंड डिवाइसेस होते हैं उसमें ये फ़ीचर नहीं होता है। और ये गाइज पॉसिबल हो पाया है A13 बायोनिक चिप की वजह से, और जो इसमें कैमरा इंस्टॉल है उसकी वजह से। तो गाइज ये एक अच्छी चीज़ है। आगे लिखा है इसमें 1080p HD वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30 FPS और 60 FPS। गाइज ये भी वही ऊपर वाली चीज़ हो गई है, वही चीज़ फिर से डिस्कस कर दी गई है, लेकिन 1080 यानी कि फुल HD रेजोल्यूशन के लिए बोल दिया गया है यहाँ पर, ये HD रेजोल्यूशन के लिए बोल दिया गया है। फिर आगे लिखा है एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज फॉर वीडियो अप टू 30 FPS। गाइज किसी अगर फोटो को हम लेते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें क्लाउड दिखते हैं किसी में क्लाउड की डिटेल नहीं दिखती है। तो गाइज जिसमें क्लाउड की डिटेल्स दिखती है तो उसका मतलब ये है कि जो एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी अच्छी है उस इमेज में, जिसमें पीछे का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर दिख रहा है। तो गाइज ये 30 FPS तक एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करेगा, अच्छी चीज़ है। आगे फिर इसमें दिया गया है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फॉर वीडियोस। गाइज ये मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ये एक्चुअल फीचर क्या है, तो इसमें भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है। फिर इसमें आगे दिया गया है डिजिटल जूम अप टू 3x। तो गाइज 3x जूम होगा वो भी डिजिटल। तो गाइज अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर ऑप्टिकल जूम होता तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर डिजिटल जूम है आप समझ सकते हैं इस बात को। तो गाइज आगे इसमें दिए गए स्लो मोशन वीडियो सपोर्ट फॉर 1080p एट 120 FPS और 240 FPS। गाइज ये वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, एप्पल यहीं पर क्यों अटका हुआ है, इसमें 240 FPS पे ही ये हमेशा देता है। आप पीछे फ़ोन्स में देखेंगे, पीछे आईफोन 6 हो गया, 6S हो गया, सब में 240 FPS तक ही ये स्लो मोशन वीडियोज़ देता है। तो गाइज ये भी कोई ज़्यादा खास फीचर नहीं है। आगे इसमें दिया गया टाइम लैप्स वीडियो विद स्टेबलाइजेशन। गाइज अगर आप किसी कैमरे को रखते हैं उसमें फिर आप कैप्चर करते हैं किसी वीडियो को लंबे समय तक दिखाने के लिए, और उसको लंबे समय तक आपने वीडियो बनाई और आप उसको दिखाना चाहते हैं 3 मिनट में, तो गाइज इसका मतलब है कि टाइम लैप्स वीडियो है वो, तो उसमें भी स्टेबलाइजेशन दिया गया है, वही चीज़ सेम। गाइस में आगे आता है कॉन्टीन्यूअस ऑटो फोकस वीडियो। गाइस ऑटो फोकस होता रहेगा जब आप वीडियो बनाएंगे, अगर डिस्टेंसेस चेंज होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो फोकस करता रहेगा, तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ा फीचर नहीं है। और आगे इसमें दिया गया टेक 8 MP स्टिल फोटोज वाइल रिकॉर्डिंग 4K वीडियो। अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 8 MP तक का काफ़ी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फ़ोटो लेने हैं, तो ये ठीक है 8 MP तक के अगर हम फ़ोटो ले सकते हैं। फिर आगे दिया गया है इसमें प्लेबैक जूम वीडियो फॉर्मेट्स। गाइज ये वही चीज़ है जो मैंने पीछे अभी आपके साथ डिस्कस की थी। फिर आगे आता है स्टीरियो रिकॉर्डिंग। तो गाइज स्टीरियो रिकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 माइक्रोफोन्स दिए गए होंगे, राइट साइड के लिए दिया गया होगा, एक लेफ्ट साइड के लिए दिया गया होगा, तो यानी कि इसमें मोनो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, इसमें स्टीरियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस वैसे अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये काफ़ी पहले से आईफोन्स में आ रही है, तो ज़्यादा बड़ी खास बात नहीं है इसमें। फिर आता है इसमें फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो इसमें 7 MP तक का ही कैमरा फ्रंट कैमरा दिया गया है,
ये भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लग रही है मुझको यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से वही एपरेचर जो दी गई है f/2.2 की दी गई है, तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एक सिंपल सा कैमरा आगे दे दिया गया है, और आगे फिर इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा पोर्ट्रेट मोड विद एडवांस बोका एंड डेप्थ कंट्रोल। गाइस, जो इसके रियर कैमरे में फीचर दिया गया था वही फीचर इसमें फ्रंट कैमरे में दे दिया गया है। फिर आगे देख सकते हैं इसमें 1080p HD वीडियो रिकॉर्डिंग इस 30 FPS दिया गया है। 30 FPS तक ही आप फुल HD वीडियोस कैमरे में बना सकते हैं, फ्रंट कैमरे के थ्रू बना सकते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे से नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, ये थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि आजकल सेल्फी का ज़माना ज़्यादा चल रहा है, फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाने का ज़माना ज़्यादा चल रहा है, तो ये भी थोड़ी इंक्रीज करनी चाहिए थी। हालांकि ये ज़्यादातर फोन्स में नहीं होती। और आगे इसमें दिया गया है रेटिना फ्लैश। गाइस, रेटिना फ्लैश तो इस तरीके से लिख दिया है कि पता नहीं कितना बड़ा फीचर होगा। गाइस, ये कुछ नहीं है, जब आप फ्रंट कैमरे से कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो जो उसकी डिस्प्ले है वो पूरी वाइट हो जाती है और ब्राइटनेस फुल हो जाती है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि वो मुंह पे आपके फेस पर जो है थोड़ी लाइटनिंग आ जाती है और वो फिर कैमरा फ़ोटो ले लेता है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है। फिर आगे बस्ट मोड मैंने अभी आपके पास साथ पीछे डिस्कस किया था। तो आगे इसमें लिखा है Touch ID फिंगर सेंसर, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। इसमें बैरोमीटर दिया गया है, ठीक है। 3x जायरो दिया गया है, ठीक है। एक्सेलेरोमीटर दिया गया है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है, ठीक है। एम्बिएंट लाइट सेंसर दिया गया, अच्छी बात है गाइस। ये सेंसर वही है जैसे कि आप सनलाइट में जाते हैं तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है, इंडोर्स में आते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, ये वही फीचर हो गया। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया वो, जैसे आप कि फ़ोन पर कोई फ़ोन आया, आपने कान पे फ़ोन लगाया तो लाइट बंद हो गई, तो गाइस ये एक्चुअली डिस्टेंस सेंसिंग सेंसर होता है। तो गाइस, यही सिंपल से फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो कि एक नॉर्मल फ़ोन में भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आगे इसमें दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 13। गाइस, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इसमें iOS 13 दिया गया है। और अच्छी चीज़ ये नहीं है कि इसमें iOS 13 दिया गया है, अच्छी चीज़ ये है कि इसको आप काफ़ी समय तक अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि अगर iOS 14 आता है 15 आता है तो काफ़ी समय तक एप्पल से आपको सपोर्ट मिलने वाली है अपग्रेड करने के लिए अपने फ़ोन को। तो गाइस, ये एक अच्छी चीज़ है। ये पॉसिबल क्यों हो पाया है, क्योंकि इसमें A13 बायोनिक चिप है। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की। तो गाइस, एप्पल की वेबसाइट पर मैंने जब चेक किया इसकी कैपेसिटी के बारे में, तो मुझे वहाँ पर कोई डिटेल नहीं मिली कि बैटरी कितनी कैपेसिटी की है। लेकिन अगर मैंने इंटरनेट पर स्क्रॉल करके देखा, थोड़ा ब्राउज किया, तो मुझे पता चला कि इसकी बैटरी कैपेसिटी 1821 mAh की हो सकती है। तो गाइस, इसमें एप्पल की वेबसाइट पर सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सेम बैटरी परफॉर्मेंस देता है जैसे कि आईफोन 8 देता है। इसमें वीडियो प्लेबैक टाइम जो ऑफलाइन दिया गया है वो अप टू 13 आवर्स दिया गया है। ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक टाइम जो दिया गया है वो 8 आवर्स का दिया गया है। और उसके बाद ऑडियो प्लेबैक टाइम अप टू 40 आवर्स का दिया गया है। फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर और वो 50% कर देगा 13 मिनट्स के अंदर। और उसके बाद है फिर रैम भी इसकी कोई रिवील नहीं की गई है कि एक्चुअली इसमें रैम कितनी है, लेकिन वो भी मैंने सर्च किया नेट पर तो मुझे पता चला कि इसमें हो सकता है कि 3GB रैम हो। तो गाइस, ये चीज़ अभी श्योर नहीं है कि इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। जब सेम डिवाइस हमारे हाथों में होगा तो हम पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है और रैम कितनी दी गई है फ़ोन के अंदर। तो गाइस, ये सब स्पेसिफिकेशन थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं। तो गाइस, अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं इस फ़ोन को ख़रीदना। तो गाइस, मुझे जो इसमें लगता है कि ये फ़ोन ख़रीदना क्यों चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें मुझे खास लगी जिनकी वजह से फ़ोन आप ख़रीद सकते हैं, वो है सबसे पहली है इसकी परफॉर्मेंस। तो गाइस, वो परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा है इसका जो रियर कैमरा दिया गया है, वो रियर कैमरा आईफोन 11 प्रो से लिया गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कैमरा भी बहुत अच्छा होने वाला है। और गाइस, इसके अलावा देखा जाए तो इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है। और गाइस, और तो मुझे इसमें कोई खास लगा नहीं फीचर। तो इसमें दो ही चीज़ हैं, इसकी चिप और इसका रियर कैमरा।
तो गाइज अगर आपको ये दोनों चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, आपको लगता है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको लगता है कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले से मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, तो मैं कहूँगा कि आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। और अदरवाइज़ आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आईफोन 11 हो गया या आईफोन, यार गाइज अगर आप 42,000 रुपये इस फ़ोन के लिए दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 4-5,000 थोड़ा एक्स्ट्रा दे के एक अच्छा आईफोन ले सकते हैं, जिसमें कि आपकी ओलेड डिस्प्ले भी होगी, काफ़ी अच्छे फीचर्स भी होंगे। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन देगा मेरी हर वीडियो के लिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।